मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। का कैसा है स्वाद? तो फिलहाल मैं हूं अभी जोधपुर जंक्शन में और यहां से चलने वाली है एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली है। यहां आ चुकी है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलेगी। ये ट्रेन देखिए, लोगों की भीड़ देख सकते हो आप तो कैप्चर करने के लिए। जोधपुर से मेरी जर्नी अहमदाबाद तक एंड टू एंड होने वाली है इस ट्रेन के अंदर, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। आप लोगों का उत्साह देख सकते हो वंदे भारत को लेके, उत्तरी उत्साह है यहाँ जगह जोधपुर में। तब उसके बाद यहाँ वाले ट्रेन का फ्लैग ऑफ करेंगे। आपके ट्रेन को फ्लैग ऑफ करने के बाद 30 से 40 सेकंड में आगे से कुछ इस तरह का है लुक इसका, देख सकते हो आप। तो हमारी ये जो वंदे भारत है ये यहाँ से 3:30 पे यहाँ से निकलेगी और हमें लगभग साबरमती यानी कि अहमदाबाद ये पहुँचाएगी लगभग 10:40 तक, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, लगभग शायद 11:30 बजेगा पहुँचते पहुँचते। तो देखते हैं क्या होता है और बने रहेगा मेरे साथ। अभी हम चलेंगे कोच के अंदर, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ हम लोग जा रहे हैं अंदर, अब देखते हैं। और हमारे की सीट है C2 में 34 नंबर। ऐसे चेयर कार का लुक देख सकते हो आप, नॉर्मली बाकी जैसे। तो यहाँ पे आर्मी स्टूडेंट वंदे भारत के इस गार्डन में शामिल हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देख के। तो यहाँ पे जो है ग्लास आप देख सकते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और ये कर्टेंस क्योंकि इसमें भी आर और पार दिख रहे हैं देसी लैंग्वेज में, तो शानदार है। और ये नाक्स के चेयर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे लॉबी भी आ चुका है। के सामने आप देख सकते हो ये लगा है हमें ट्रे टेबल, क्योंकि कुछ स्पेस का इस तरह का होता है, मीडियम साइज होता है काम चलाओ। और इसके बाद होता है ये लेग स्पेस, पे आप आराम से पैर रख सकते हो, बाजू में वाटर होल्डर है, और यहाँ पे आप छोटा मोटा पेपर खुद भी रख सकते हो। आबू रोड निशान है, और तो हम लोग पहुँचेंगे साबरमती रात के 10-12 तो बजे जाएंगे। तो हो चुका है डिपार्चर जोधपुर से फाइनली।
गोरखपुर से सिग्नल दोनों गाड़ी का, दोनों गाड़ी एक साथ निकल रही है, ये आप देख सकते हैं, एक गोरखपुर से जा रही है और एक जयपुर से जिसमें हम बोर्ड कर चुके हैं वो गाड़ी निकल रही है और क्राउड देख सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे लोग पता सुबह 12 बजे से यहाँ पर आ रखे और 5-6 घंटे लोगों ने वेट किया यहाँ पर इस गाड़ी को डिपार्चर लेने के लिए। इतने उत्साहित थे लोग यार, भाई लोग रहे हैं, बारिश देख रहे हो आप और बारिश में लोग भीग रहे हैं और इस गाड़ी को अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं, अपनी मेमोरी बनाना चाहते हैं इस गाड़ी के साथ, क्योंकि वंदे भारत इतनी लोकप्रिय हो चुकी है इंडिया में कि कहीं से भी गुजरे कैमरे निकल ही आते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, उसका फोन है वो निकाल लेता है। अंकल बिगड़ी हो चले जाओ अंदर, अंकल बिगड़ी हो एमडी भारत की कोटी जोधपुर साबरमती बाहर बारिश हो रही है कंटिन्यू, पर अंदर का जो उत्साह है बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म नहीं हो रहा है। देखते हैं आगे कौन से स्टेशन पे हम लोग अभी नीचे उतरेंगे, खासकर मैं तो नहीं उतरूंगा, देखते हैं क्या होता है। रानीखेत एक्सप्रेस निकल रही है भगत की कोटी से, तो फिलहाल में हमारा कैंटीन सर्विस स्टार्ट हो चुका है और हमें अभी पानी मिलेगा। गर्म है से रखते हैं यहाँ अभी बाद में। ट्रेन अभी काफ़ी अच्छी रफ्तार में चल रही है, यहाँ पे इसको 110 की रफ्तार मिलती है। ये कौन सी ट्रेन की हो रही है बताना मुश्किल है थोड़ा, सॉरी क्रॉसिंग हो रही है। आई थिंक 130 कर देगी, या भी कर देगी, या तो 110 जोरदार कर रहा था 110 और कर पे 110 का भी नहीं है। हाँ इरफान भाई ओके सब लोग चुपचाप बैठे हो। नमस्ते, आप लोग बढ़ चढ़ पाए
पूरा मारवाड़ी लुक में बहुत मस्त लग रहे हो। स्नैक आ गया है यहाँ पे हमारे पास, सामने देख सकते हो माउंटेन। तो यहाँ हमें आ चुका है शाम का ब्रेकफास्ट, सबसे पहले टिश्यू देख सकते हो आप, और हमें एक स्वीट दिया हुआ है, शायद राजस्थान का ही कोई फेमस है, और सैंडविच और बाकी बहुत कुछ है, जैसे जूस है जो सभी वंदे भारत में दिया जाता है ऑलमोस्ट, और इसमें शायद मेरे हिसाब से समोसा होगा, ठीक है। और एक हमें दिया है रोस्टी टेस्टी करके कोई है खाने का, और इसमें शायद कचौड़ी है राजस्थानी कचौड़ी, और हमें मंच दिया है क्योंकि आज पहला दिन है वंदे भारत का, तो हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है। ओके तो शुरू करते हैं फिर। तो फिलहाल हम पहुंच रहे हैं पाली मारवाड़। और हर स्टेशन पे आप देख सकते हो लोगों का उत्साह, आप देख सकते हो वाह, लोग इतने ज़्यादा उत्साहित है इस ट्रेन के लिए। इसका अनबॉक्सिंग मानो कोई त्यौहार हो, इस तरह का भीड़ देखने को मिला स्टेशन में। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय। डिपार्चर करते हुए और यहाँ हमारी ट्रेन ने एक्सेलरेशन भी ले लिया अच्छा खासा, एक्सेलरेशन जो है ट्रेन का वो जबरदस्त तरीके से। मातरम, और भीड़ देख सकते हो सामने रोड पे, मातरम मातरम। वो देखिए वहाँ दीप की चट्टी गुलाबी, ओ माय गॉड, देखिए आप ब्रेक देखिए इसका, और वहां स्पीड देखिए तुरंत कम हो गई। Please debate carefully only after the train has come to the end point. यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
यहाँ से आप दिल्ली की ओर जा सकते हैं, मारवाड़ एक जंक्शन है। ये रही वो लाइन सामने देख सकते हो आप, यहाँ से आप दिल्ली जयपुर रास्ते से आगे बढ़ सकते हो। अराइविंग मारवाड़। ये आपका अराइवल है मारवाड़ जंक्शन। यहाँ से आके मिली हमको दिल्ली वाला पहुंचे थे और हम लोग आ रहे जोधपुर की साइड से। बहुत ही कोटी होते हम लोग यहाँ पर पहुंचे मारवाड़ जंक्शन। स्टेशन पे भी लोगों का उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए भीड़ देखिए और एक ही बच्चों का स्वागत करते हुए। तो निकल चुके हैं मारवाड़ जंक्शन से और ट्रेन का स्पीड देखिए आप। अपनी ट्रेन जो है मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है। सरप्राइज मिलेगा मुझे का सरप्राइज ले लो। लास्ट में ट्रैक करूंगा बैठी है क्या पूरी दुनिया की ठंड तेरे को ही लग रही है। ये मोस्टली पैरेलल ही रहेगी ना। अरे भाई साहब क्या बात बोल दिया, मजा आ गया। स्टेशन आ चुकी है हमारी इवनिंग टी। ये हमें बनानी पड़ेगी खुद। तो ये चाय अभी हमने बनाई है लेकिन इसका जो स्वाद जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता मैंने बनाई चाय का। तो ठीक है काम चलाओगे
काम हो जाएगा अभी, और मिलता मैं आपसे अभी आने वाले स्टेशन में। तो हमारा लंच आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। थैंक यू। तो ये रहा, तो खुलते से खुल और बताता हूँ मैं आप तक इसका क्या है स्वाद और हमें क्या क्या मिला है आज। ये खाना बहुत अच्छा है, ये पुआ और राजस्थानी खाना है जैसे आप देख रहे हो। ये है गट्टे की सब्जी, बेसन गट्टे की जो मसालेदार होती है राजस्थान की वो सब्जी है। घी के पराठे हैं और ये कैर सांगरी की सब्जी है जो लोकल जोधपुर और जो मारवाड़ में खाई जाती है। राजस्थान के आधे पार्ट में ये मिलेगी आपको। स्वीट्स है जैसे कि जोधपुर के और फेमस जो हलवा होता है वो है यहाँ पे, और यहाँ पे हमको एक मिठाई दी हुई है, ये थोड़ा चटपटा गुजराती मिक्स लग रहा है, और ये राजस्थान का देसी जो मिर्ची का कूटा बोलते हैं अपन वो है, नमकीन है, और जोधपुर का फेमस मिर्ची बड़ा है। हाँ, ये पूरा का पूरा खाना आपको लोकली राजस्थान में मिलेगा और प्योर राजस्थानी खाना है ये। जितना गर्म होता है उतना अच्छा लगता है, जैसे अब ठंडा हो चुका है तो थोड़ा खाने में मुश्किल आ रही है। अभी जैसे खाने के टेस्ट के हिसाब से तो 10 out of 9 देने की, बाकी ठंडा है खाना तो 10 out of 7 दूंगा। ठीक है, तो खाने के बाद छाछ आ चुकी है, अमूल मस्ती छाछ। यहाँ पे मेरे बाजू में एक फ्रेंड है जिन्होंने ये रबड़ी लिया और टेस्ट करके बताएंगे। आबू की रबड़ी तो हमेशा ही मतलब और टेस्टी रहती है, और जब भी आप आबू रोड आओ इसे टेस्ट नहीं किया तो मतलब आबू रोड आने का मतलब ही नहीं। हाँ, ये बात तो सच है। सबसे फेमस चीज़ है आबू रोड, हम सुने चीज़ है, यहाँ से इसको फॉरेन भी इंपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यूज होती है। और अब पहले मैंने लिया था तो लगभग 40 रुपये का मिलता था, अभी 40 का ही आज भी तो बिल्कुल, ये अच्छी बात है। आप है क्या हो गया? ओके, ये वाली चालू है लेडी। निकल चुके हैं अबू रोड से, वो देख सकते हो आप भीड़ अभी भी, रात हो चुकी है लेकिन लोगों का उत्साह भी नहीं है। पालनपुर जंक्शन पहुंचने वाले हैं भाई, और देख सकते हो उस साथ बच्चों का। तो पहुंच चुके हैं पालनपुर जंक्शन, और यहाँ का क्राउड देख सकते हो आप, और ये हाई पेट्रोग्राफ भी, आज जितना ज़्यादा मुझे मज़ा आया इस वंदे भारत जर्नी में, अब तक की मेरी सबसे बेस्ट जर्नी है ये। आप समझ सकते हो कि वंदे भारत का जो इस टाइम पर जो क्रेज चल रहा है लगातार ये, और ये वंदे भारत देसी वंदे भारत है, और आने वाले भी बहुत सारे वंदे भारत आने वाले हैं, और शायद उसमें मेरी जर्नी आपको देखने मिलेगी। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और हम लोग साबरमती लगभग हम मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम ऑलमोस्ट 12 या 12:30 बजे तक पहुँचेंगे, शायद और लेट हो जाए। तो ये निकली बांद्रा दिल्ली सायरोली का गरीब रथ एक्सप्रेस। सारा जंक्शन और अभी भी लोग अब देख रहे हो उत्साह, भीड़ देखो। माय गॉड 11 बज रहे रात के, जगह यहाँ डांडिया हो रहा है। हाँ एंजॉय करके कर चुका है मैं सारा जंक्शन से, और यहाँ आने के बाद ही पता चला कि गुजरात क्यों इतना प्रसिद्ध है। और मैं खुद एक गुजरात रहने वाला बंदा हूँ, मुझे पता है गरबा का। तो गाइस मेहसाना रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है, और क्रेज देखिए लोगों में वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर कितना क्रेज है। लगभग 11:15 हो रहा है, लेकिन पब्लिक देख के लगता नहीं ये किसी में थकावट है। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं साबरमती जंक्शन।